यहाँ दलिया ही दलिया मिलता है। एक वक्त का खाना मिलता है। खाने में क्या मिलता है? अरहर की दाल नहीं कहीं मिली है दुकानों में। कौन से रेस्टोरेंट से खाता है? जानकी रसोई के पास तो नहीं जाता? तो वही तो है। रोटी नहीं मिली, अरहर की दाल नहीं मिली, क्या जान की रसोई है? अच्छा, अरहर की दाल और चुपड़ी और रोटी चाहिए तुझे? बहुत अच्छा लगता है खाने में, बड़ा टेस्ट आता है। किसी के मुंह में पानी आ रहा है। बहुत अच्छा लगता है, क्या मजेदार है। मजेदार दाल, अरहर की दाल, चुपड़ी रोटी, हरी मिर्च, उसके साथ में अचार खाओ। तुम लोगों के पानी आ रहा है। तू कितने सालों से इसमें रह के अरहर की दाल खा रही है? 20 साल से अरहर की दाल। अरहर की दाल तो नुकसान दे देती है। अरहर की दाल तो इसके घर वालों को जबरदस्ती अरहर खिला रही है। ये तो सारे बाई में मर जाएंगे, बाई बादी में। हाँ, मुझे दलदल में फंसा दिया। यहाँ लाके दलदल में आ गई, फिर निकालेगा कौन? हम ही से कह रही है। एक बखत यहाँ बबूती खानी पड़ती है, विभूति। साथ ही रहेगा क्या? क्या है, 20 साल से रह रहा हूँ। 20 साल से फिर, और ये सोच रही है मैं 20 दिन में पहले निकल जाऊँ। है ये तो ये सोच रही है 20 दिन भी ना लगे। शादी की बिदाई हुई जब से रह रहा हूँ। शाबाश गुरु जी, पेप्सी पीता हुआ आया था शादी में। इसको पेश कर दिया तो मैंने। मेरे पेप्सी पीने नहीं, रास्ते में भी नहीं पिला इसके आदमी ने। हैं, ऐसे खाना मिला बड़ा टेस्ट आया। अरहर की दाल, चुपड़ी रोटी, जान की रसोई। ये देखने में कैसा है आदमी? ये आप बताते, पहले तेरा स्वरूप बताते। लड़की तो काली है, तू कैसा है देखने में? ये भी सांवला सही है। सांवला सही है, ज्यादा लंबी हाइट नहीं है। छोटे कद का है, कपड़ा सा लपेट के रख दिया सर पे, मोटा सा मार के, व्हाइट सा कलर का। तो ये खेतों में रहता होगा, लड़की दाल बोता होगा, वही खाता होगा दाल मिर्च डाल के। अरहर की दाल से या बिना दाल? टेस्ट लेता हूँ बस, चावल। मजा, चावल नहीं अच्छी लगती है। देखा, और इसके शरीर से बाहर रहता तू क्या करता? पेशाब की बदबू लेता, टॉयलेट की बदबू लेता। अरे बहुत बदबू है यहाँ, लैट्रिन की बात सीधी। ये लैट्रिन कैसे सारी बदबू? इन सब में से बदबू आती है तुझे? सब में से बदबू आती है, सब में से बदबू आती है अरहर की दाल में से खुशबू।
بڑی مزیدار ہے بھائی ارہر کی دال ہے بڑی ہاں ہاں چھپڑی روٹی ارہر کی دال منگا دو ابھی میں کھا لوں گھر پیٹ کے کیا مزیدار دو وقت کی روٹی میری چھوٹ گئی ارہر کی دال کھلا کے مارا گے تجھے ایک دلدل میں پھنسانے والا کون ہے چائے پراٹھے اچھے نہیں لگتے صبح چائے پیتی تھی ناشتے میں دو پراٹھے دوپہر میں پانچ روٹی اور ارہر کی دال اور اتنے سے چاول اچھا ہری مرچ ارے کیا کہنا ارہر کی دال حاضر ہو چار ٹکڑی روٹی حاضر ہو اچار کون سا ارے کیا کہنا اچار ارہر کی دال گھی چپڑی روٹی کھاؤ چلو آج مجھے دلا سکتے ہو آج پلیز میری مدد کر دو آج تیری قسمت گر گئی آج یہی بنی ہے ارہر کی دال ہے بڑی مزیدار کیا دقت ہو رہی نہیں ہنسی کرنے سے کیا دقت ہو رہی ہے تجھے بہت دقت ہو رہی کیا تین دن سے بھوکا مر رہا ہوں میں تمہارے بھی پاس گیا مکھنی دال کھاؤ ماتا جی مکھنی دال کھاؤ گی آج بنی آج کھلائیں گے تجھے ابھی بنی کسی نے آج بنی دال نہیں کھلائی مکس دال یہاں کے لوگ کڑی پیتے کڑی کیا بھائی کڑی پی پی کے پاگل ہو رہے ہو تم چائے سویرے پراٹھے کچھ نہیں ملا دیا مجھے چوبیس گھنٹہ کمر سے نہیں اس کو ہلنے دیتا ہوں پیروں سے سر تک ایک بات بتا جب یہ شادی کرا کے گئی تھی اپنی سسرال تب ارہر کی دال کیا دن بعد ملی تھی پتا میں تو ویسے بھی دکھی ہوں اپنے بچوں سے تیرے بچے مرے نہیں ابھی تیرا نام کیا ہے اس کا نام کیا ہے ستیاوتی ہے ستیاوتی آ گیا جی تین سیٹیں تب کیسے ٹرین سے کٹ گئی تھی بچوں کے پیچھے بیٹھ کے کھا لی تھی ساری بچوں نے مجھے غصہ آ گیا میں ٹرین میں گھسی جا کر کے اس کے پیئر کے پاس نہیں بھائی بس بھگا کے مر گئی ٹرین کے پاس تین ہے تین چیزیں آگے پیچھے آ رہی ہے بیس سال سے لگ رہی ہے دیکھ لو بتاؤ اور میرے کو آدمی بیس دن نہیں دیتا ٹھیک ہونے کے لیے ارہر کی دال ہے چپڑی روٹی ہے ارہر کی دال والا مجھے آج کھانا کھلا دو برفی چل تو پیچھے مجھے برفی والی چاہیے آ جا ستیاوتی برفی کھائے گی برفی
कै बर्फी देगी मीठा मुझे किसी ने यहाँ नहीं दिया नहीं दिया तुम पागल हो अभी भी बर्फी बांट के मीठा नहीं दिया तुमने हाल की बात करो अरे ले बर्फी के पीछे ट्रेन से कट के मर गई तुम्हें पता नहीं चल पीछे हट हट पीछे आ भाई अरहर की दाल है बर्फी की दाल है अरहर की दाल है बड़ी मजेदार है अरहर की दाल है बड़ी मजेदार है घी की चपड़ी रोटी अरहर की दाल हरी मिर्च अचार के साथ खाओ क्या बड़े तीसरा कौन है तीसरा कौन है एक औरत एक आदमी तो हावी तीसरा कौन क्या करोगे बताओ मुझे यहाँ के लोग बहुत बदबू मारते हैं घटा हुआ ये हट हेल मो गंबो खुश हो अरहर की दाल है बड़ी मजेदार है आज बनी है मखनी दाल आज बनी रोजाना ये क्या बोला माता जी मखनी दाल है कौन आया इसके साथ अरे इसका आदमी कहाँ है मखनी दाल मखनी दाल अकेली है नहीं होना चाहिए प्रोटीन वाली दाल नहीं 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 मिक्स नहीं खाने वाली मैंने बाहर ही ढाबे पता कर लिया अंदर में भी पहले नंबर आपके पास गए मखनी दाल खाओगी अचार माता जी चार रोटी है पचास रुपए में कितनी रोटी की चार रोटी से ज्यादा नहीं खाता प्योर आटे की है नींबू आटे की है मर्डर मैं कब कह रहा हूँ तेरे को मैं कौन से तेरे को मुझे खाना खिलाओ चल के आपका हाथ का गाना गाऊंगी मैं और किसी का हाथ छुआ नहीं गाऊंगी और किसी का हाथ छुआ भी नहीं खाएगी जय शरिंदर सबको जय शरिंदर